टाइम नहीं आंदे वो आदन जी जलो काम करो जी क्यों नहीं करंदे आखन भी सारा मर्द आवे सी करे सी ए आदन जी कोई ना तुसा काम करो जिथा के उको असा हुने अफगानिस्तान भेज ए आखन ना आवे सी आदन कोई ना तो को असा अफगानिस्तान भेज दिसु ए कोई तरीका तो नहीं। सारे तंग है सर, निके निके बच्चे हैं, सारे त्रे बच्चे हैं। देखो ये दवाई जो के पैसे नहीं दे सारी निकी जी बाल है, ये जरा तंग थी पी है, रोंदी है रात को रोंदी है दिहा को रोंदी है। ना हाई कोर्ट जे साड़ी गाल से निकल दी ना अपने थाने वाले सुन डैन ते साडे ते फौजगी तक नहीं जान देंदे। 100 फुट दा उन्होंने संगल रखिया जेड़ा कि मारदे ने और रात नूं दिने काम करवांदे ने रात नूं संगल मार देंदे ने। मेरे भरा नूं ना गील के त्रे चार जने हन पए उन्हां टंगा टोली पकड़ के गील के बठे दी चिमनी ते खिन गए। लेबर दे मसाइल बड़े इन पे लेबर ली अपनी मर्जी है तेरी लेबर ली अपनी मर्जी करें करें ना करें ना करें खाता को पाया चाले के बच्चे जबरी मुशक्का बंद करो जबरी मुशक्का बंद करो दूरों का इस्तेमाल दूरों का इस्तेमाल पैसे नहीं देंगे वो पैसे इस तरह देंगे जिते 3,000 था नुकसान थे सानू 500 कहेंगे लवी एने सारो ताकि साडा किराया भी ना जान जोगा बन सके। दूसरे गेट दे तू तो 60,000 लिया चार बंदे आप दे जोड़ ले उतो छित्र मार दिते चार लो तू तो लै 60,000 असि केड़े दा जाइए। लेबर आ जाती है हमारे पास बारिशों की वजह से, जैसे बारिश होती बठो में काम नहीं चलता। शादियां करते हैं, बेटी की शादी कर ले, बेटे के कर ले, बीमार हो गए काम भी ना कर सका और उसको इलाज के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ओके ना 10 से 10 बीस ले लो 30 असी 1,000 इट कटिए 500 इट लही दी 2,000 इट कटिए 1,000 इट लही दी 100 खर्चा लिए 200 लिख देन 300 खर्चा लिए 400 लिख देन 500 खर्चा लिए 2,000 लिख देन और खर्चे पैसे किस तरह चढ़ने ने फिर फौत की हो जाए चले जी 500 ले लिया उन्हें 2,000 लिख देना जनाब फौत की 2,000 रुपया लिया शादी दे 500 रुपया लिया उन्हें 5,000 लिख देना जनाब 5,000 रुपया लिया। लेन देन का मसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट कचहरी का काम है, मेरे आप खड़े हूँ ते यूनियन से बहाल हो गया ने ते मजदूरा के होना ने पैड़े कानून खत्म हो गए ने तुसी आप पठे जाके देख सकते हो कि किसी मजदूर ते कोई जुल्म नहीं हो रहा उसमें जबरी मुशक्कत को बिल्कुल ममनू करार दिया गया और ये कदगन लगा दी गई कि कोई भी इदारा कोई भी मालिक कोई भी आजिर किसी भी शख्स से किसी भी बच्चे से किसी बड़े से जबरी मुशक्कत नहीं लेगा, उसको ये मजबूर नहीं करेगा कि वो आके उसके दायरे में काम करे।
जब हम भट्ठों पे जाते हैं उनके हकूक की बात करने के लिए, उनकी यूनियन साजी के लिए, तो काफ़ी सारी मुश्किलात हमें दरपेश आती हैं। पहले नंबर पे तो हम जब भट्ठों पे जाते हैं तो भट्ठा मालकन हमें इस तरह देखते हैं कि जैसे हम उनके मज़दूरों को किसी उनके खिलाफ मूवमेंट के लिए तैयार करने के लिए हैं, तो इस वजह से वो हमें बहुत परेशान करते हैं और हमें धमकियां भी देते हैं। ना तो बच्चों लिए कोई स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, कोई शायद नहीं। बस ये ना जो कोई ऐसा गल हो भी तो पतो कुछ जाइए तो उतने ठारह 20,000 से ऑपरेशन घट बच्चे का होंगे ही नहीं। माड़े बंदे हैं कई तो उन्जी गिरजाई हुए पे। हाँ जी असी बात छो, ना तो कोई स्कूल, ना अस्पताल, ना कोई मदद, ना कोई गल। ये सारा घूमत एक फिर रेट थोड़ा रेट बात छो, आखन दे 250 दे 200, आखन दे 300 दे 200। मैं ना भी कर जाई उत्ते चढ़ाई आ दे। भट्ठा जो है इसमें सिर्फ एक मिस्त्री जो है भट्ठे को जो ईंटे पकाते हैं, जो मसाला डालते हैं, या जलाई वाले हैं या इसमें जो मुंशी हैं, ये तनख्वाहदार होते हैं। मुंशी जो है काफी ऐसे भट्ठे हैं जिसपे दो मुंशी होते हैं, किस भट्ठे पे एक मुंशी होती है। मुंशी की तनख्वाह तकरीबन 6,000 से लेकर 10,000 तक होती है, और जो भट्ठे पे काम करते हैं मिस्त्री और जलाई, ये 5 आदमी होते हैं। इसका सरबरा सिर्फ मिस्त्री होता है, उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये होती है मिस्त्री की। वो फिर खुद उनको तकसीम करता है, क्योंकि वो 4 आदमी के साथ काम करते हैं, वो 30,000 पे, तो चाहे 5,000 फी आदमी के आ जाए, 6,000 हो जाए, वो तकसीम करते हैं। बाकी भट्ठे जितने भी काम करते हैं इन सब ठेका का हिसाब होता है, 1,000 का हिसाब होता है। वो जितनी भी हिम्मत कर लें उस पर कोई पाबंदी भट्ठे मालिक की तरफ से नहीं होती कि आपने देर से क्यों आए हैं, या आपने आज काम क्यों नहीं किया है, या थोड़ा सा काम क्यों किया है। वो उनकी अपनी हिम्मत है, चाहे सुबह से उठे 12 बजे छुट्टी कर लें, चाहे वो शाम तक करें, चाहे वो 2,000 निकालें, चाहे 3,000 निकालें। ये है अगर जो अच्छा मजदूर है वो अपना काम, अपने घर के अखराजात सब समझता है, जिम्मेवार आदमी है, वो आदमी 300 रुपए रोजाना कमा से, 4-5 आदमी होते हैं, वो तकरीबन फी आदमी के 300 रुपए दिहाड़ी बन जाती है। रेट सारे पूरा नहीं देंदे, 240 रुपए रेट देंदे, वही होने की तरह दूजा हफ्ता 240, पहले तो 220 रुपए देंदे रहेगा। भाई हुकूमत ने 1,000 रेट पिछे 422 रुपये रेट मुकर किया, तो सानू की मिलता पाया 220 रुपये, ऐसे बड़ी ना इंसाफी है। कितने 422 रुपये नहीं मिलता पाया, हुकूमत ऐवे ऐलान करती रहती। ओहो 422 रुपये ना सही, पर बथेरिया थावा 310 रुपये तो मिलते पेने ना। अगर 1,000 रेट पिछे 310 रुपये मिलना लग पे, सानू खर्चे वास्ते पेशगी दी जरूरत है ना पवे। पंजाब गजट का फैसला है 442 रुपए फी 1,000, तो इस वक्त भट्ठा मजदूरों को 280 रुपए मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से तकरीबन 160 रुपए फी 1,000 मजदूरी कम मिलती है। ओए मेरी गल याद रखो, दिहाड़ी पूरी उत्थे मिलती है जिथे यूनियन होवे, और यूनियन बनाए बगैर खाब खाब ही रहना। यूनियन बनाने वास्ते शनाख्ती कार्ड की लोड़ हुंदी है, ते साढ़े सारे को शनाख्ती कार्ड है ने, और यूनियन बनावांगे ते शनाख्ती कार्ड बनवाने ही पैणगे ना। तो शनाख्ती कार्ड बनाने के मरहले में जब हमारे फील्ड वर्कर्स जो हैं वो मुख्तलिफ भट्टों पे विजिट करने के लिए जाते रहे तो बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना था। मेजॉरिटी जो थी भट्टा मालकान की, वो इस बात से खुश नहीं होते थे कि उनके मजदूरों को किसी किस्म की शौर की आगही दी जाए, या उनको उनके हकूक के बारे में कोई बात बताई जाए, या इनका शनाख्ती कार्ड ही बनाया जाए। एक सरफराज नामी भट्ठा मजदूर था जिसने कमिश्नर मुआवजा जात की अदालत से
76,080 रुपए की डिग्री हासिल की। जब डिग्री हासिल की भट्ठा मालिक को पता चला तो उसने उसको, वो बहन भाई जा रहे थे किसी और भट्ठे पे काम करके, क्योंकि उनका भट्ठा तो नादर खान का छोड़ दिया था, तो रास्ते में पकड़ के उसकी बहन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और सरफराज को भी बांध दिया चिमनी के साथ। चिमनी नाल बाद के जिला सदर साहब ने फोन किया था, इसने पुलिस सड़ाड़ी थी, पुलिस जिस टाइम आई ना उस टाइम मैंने पकड़ के बाद के औरत दे कोल बुला दिता भाई इन्हों का कोई वकूआ बनाओ, तो उन्होंने फौरन उसको एक घर में औरत के साथ बांध के रख दिया और ये कहा कि ये इस औरत के साथ नजायज तलुकात थे। अपना भट्ठा तब्दील करते हैं, दूसरा भट्ठे पे जाना चाहते हैं, वहां से अगर उसको कर्ज किसी और भट्ठे से मिल जाए तो ठीक है, अगर वहां से कर्जा नहीं मिलता तो मजबूर होता है उन लोगों की जगह पे कदम उठाना पड़ता है, बेलफ निकाला या भाग गया चला गया, लेकिन ये भट्ठे मालिक के साथ सरासर ज्यादती होती है। उन्हें क्या 10 लाख रुपया तू दे देवेगा ना जनाबे वाली साढ़े को 10 लाख रुपया होंगे पाया ना अस उन्होंने छुड़वा सकने अजे तक उथे बैठे ने। क्या हम कुछ कर सकते हैं कि 18 साल के बाद 17 साल के बाद किसी एक बंदे को तो जुर्म सजा दिलवाए ताकि बार बार ये लोग कैदी ना बनाए जा सके। इतने आया इतने साढ़े तो टोटली 5-10 हज़ार रुपया से इस टाइम तो साढ़े 70-80 हज़ार रुपया होया पाया, लेकिन की है कि ना असि बच्चे पढ़ा सकने ना असि कोई किसी उम्र कारवाई काम कोई भी नहीं कर सकते, बच्चे नु स्कूल के लिए कैसे अपनी रोटी पूरी करिए। चौधरी वाले बच्चे जाते ने स्कूल और सादा भी बड़ा दिल करदा है बस्ता पाके स्कूल जाइए पढ़िए ते असि किसी दे कैदी आ नाले सच्चे पढ़ाने नाले गारा करने नाले मिट्टियां च पानी पाने नाले पेड़े करने।